हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आप सभी का स्वागत है एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज की वीडियो में हम लेवल वन की क्वेश्चन 25 to 40 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 25 से। क्वेश्चन 25 अपने को क्या पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। तो हमारे पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इफ़ वॉल्यूम को अपन कॉन्स्टेंट रख लें कि हमारे पास जो भी कंटेनर है उसमें ये चारों सेम अमाउंट के वॉल्यूम में रखे हुए हैं, तो डेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मास के। तो जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसी की डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन सब में, फिर हमारे पास सब्सटीट्यूएंट जुड़े हुए हैं, तो क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन क्लोरीन है, तो मॉलिकुलर वेट हाइएस्ट इसका होगा, मॉलिकुलर वेट हाइएस्ट यहाँ पर होगा, तो डेंसिटी भी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर डेंसिटी का ऑर्डर यदि अपन लें तो सबसे ज़्यादा फोर्थ की होगी, फिर थर्ड की, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। ऐसा ऑर्डर कहाँ दिया हुआ है, ऐसा ऑर्डर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, यानी मॉलिकुलर वेट तो सेम है, यहाँ पर सरफेस एरिया डिफर कर रहा है, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा वंडरवाल फोर्सेज होंगे, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, लेस ब्रांचिंग चाहिए, यानी सरफेस एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग ऑफ एल्किन के। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग का और यहाँ पर सबसे लीस्ट सरफेस एरिया इसका होगा। ठीक, लीस्ट सरफेस एरिया। तो हमारे पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, सेकंड का, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। ऐसा ऑर्डर कहाँ पे दिया हुआ है, 2, 1, 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और मिथाइल फ्लोराइड, ये सभी के सभी रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। केवल हमारे पास CH3I जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर से मतलब है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर हमारे पास ये मेमोराइज रखने वाला पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर आप देखिए आयोडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन दिया हुआ है। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि नॉर्मल कार्बन चेन तो सेम है, वन आयोडोब्यूटेन ये हो जाएगा, वन ब्रोमोब्यूटेन ये हो जाएगा, वन क्लोरोब्यूटेन ये हो जाएगा और यहाँ पर सिंपल ब्यूटेन हो जाएगा। तो अपन बॉइलिंग पॉइंट का किस तरह से देखते हैं, यदि फंक्शनल ग्रुप एक तरह का ही हेलोजन ये सब में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। तो मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा, क्योंकि चार कार्बन तो सब में कॉन्स्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा, फिर ब्रोमीन वाले का, फिर क्लोरीन वाले का, सबसे लास्ट में यहाँ पे होगा। तो ऐसा ऑर्डर कहाँ पे दिया हुआ है, वन आयोडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन और ब्यूटेन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट है 29। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और बेंजीन में 6 कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट ब्रोमो बेंजीन का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला ब्रोम बेंजीन सबसे ज़्यादा, फिर ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, फिर इथेन, ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली बॉन्ड मोमेंट चेक करने। तो CH3Cl का स्ट्रक्चर आप बनाइए, CH3Cl का अपन एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेते हैं। अब इसमें बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन लें, तो कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, इनके बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जाएगा। दूसरे अपन देखें CH2Cl2 में, तो यहाँ पर एक क्लोरीन इस तरह से लगा लिया, एक क्लोरीन इस तरह से लगा लिया, बाकी हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड मोमेंट इधर गया, ये बॉन्ड मोमेंट इधर गया। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का, 180 डिग्री एंगल होगा। तो इसलिए हमारे पास सबसे हाईएस्ट म्यू जो होगा वो यहाँ पर होगा, बाकी की केस में थोड़ा कंपेरेटिवली नॉन जीरो तो होगा बट लेस होगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पर CHCl3 में भी सिग्निफिकेंटली डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा और CCl4 में तो जीरो होगा डायपोल मोमेंट, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलों का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, एक दूसरे के बॉन्ड मोमेंट्स को कैंसिल आउट कर देंगे ये। ठीक है, इस तरह से कि ये एक रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट तीनों का एक प्लेन में डाउन नीचे जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बट हाईएस्ट यहाँ पर किसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बॉन्ड मोमेंट्स सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑप्शन ए CH3Cl का बॉन्ड मोमेंट
डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है 31, डायपोल मोमेंट इज़ हाईएस्ट इन, यहाँ पर भी अपने पास वही चीज़ देखनी है, तो यहाँ पर CHCl3 दिया हुआ है, फिर CH4 दिया हुआ है और CH4 दिया हुआ है, ये दोनों सिमेट्रिकल है, ये तो जीरो जीरो हो जाएंगे। अब अपन को देखना है CHCl3 और CHF3 डायपोल मोमेंट में, तो डायपोल मोमेंट जो होता है म्यू वो होता है चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन, इसमें से चार्ज किसमें सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पर मोर है, सो मोर चार्ज, ज़्यादा चार्ज होगा, इसका मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, हाई डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ पर CHCl3 और CHF3 में म्यू जो होगा डायपोल वो इसका हाई होगा, सबसे हाईएस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड और मीथेन आर इन दिस ऑर्डर, तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगेगा बॉइलिंग पॉइंट का, कि हमारे पास मोलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के, या आप उल्टा बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट के, तो आयोडाइड एल्काइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा, फिर हमारे पास किसका होगा, क्लोराइड का होगा, फिर हमारे पास मिथेन का होगा CH4, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। कहाँ दिया हुआ है ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN रिएक्शन अपने को देखनी है, SN1 या SN2 कोई सी भी हो सकती है। तो हमारे पास इसमें देखिए, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का आप अटैक करेंगे, सिंपल SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये BR लीव कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH BR, यहाँ पर ये लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है, स्लाइटली वीक बॉन्ड बनता है बट कर सकता है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, क्योंकि ये PH BR दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है थ्रू रेजोनेंस, तो यहाँ पर हमारे पास SN रिएक्शन दोनों में ही पॉसिबिलिटी नहीं होगी, नो SN रिएक्शन, नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट कहाँ पर सबसे लोएस्ट होगी, जहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी सबसे कम हो, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑप्शन डी में तो कदाचित ही नहीं होगी। ठीक है, होगी तो इसमें भी नहीं, बट इन दोनों में यदि पूछा जाए कि किस में हाईली लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, तो हमारा आंसर यहाँ पर केवल सिंगल चॉइस होने की वजह से डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड, तो हमारे पास यहाँ पर SN1 और SN2 के बारे में बोला गया है, तो इसके लिए आप पहले पॉइंट देख लीजिए। SN1 में हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकोटा इंटरमीडिएट बनता है, जिस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, तो हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन भी होता है प्लस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन भी होता है, दोनों एक साथ होने की वजह से उसको अपन क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रेसिमाइजेशन, कि हमें रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और SN2 रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर हमारे पास इन्वर्जन होता है, प्योरली इन्वर्जन, तो इसी के बेसिस पे अपन देखेंगे यहाँ पर कि SN2 रिएक्शन करा रहे हैं तो वाल्डन इन्वर्जन करेक्टली मैच्ड है, SN1 रिएक्शन में वाल्डन इन्वर्जन नहीं होगा, वहाँ पर रेसिमाइजेशन होता है, SN1 में केवल रिटेंशन हो ऐसा नहीं है, इन्वर्जन भी साथ साथ होता है तो ये भी कैंसिल है, SN1 में केवल इन्वर्जन हो तो ये भी सही नहीं है, केवल जो करेक्टली मैच्ड है वो ऑप्शन ए वाला ही है। नेक्स्ट 35, विच हैलाइड आयन इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन डाई मिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्यूशन, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड क्या होता है, हमारे पास इस तरह से एक सॉल्वेंट होगा, ये एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आप हैलाइड्स का सॉल्युबिलिटी क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, F- देन Cl- देन Br- देन I-। ठीक है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का स्टैंडर्ड, और हमारे पास डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी फ्लोराइड की होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास SN2 रिएक्शन ऑन एन एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ ए कंपाउंड ऑलवेज गिव्स, तो हमारे पास क्या है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन अपन बना लेते हैं, यहाँ पे मिथाइल इथाइल
और प्रोपाइल लगा दिया और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया। अब कोई न्यूक्लियोफाइल लेट से OH माइनस का अटैक करा रहे हैं बैक साइड से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, OH, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए तो क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हो रहा है। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन को कौन बेस्ट डिस्क्राइब करेगा देखते हैं, एंड इनेंशियोमर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो भी अटैच होगा उससे हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, तो इनेंशियोमर तो हो ही नहीं सकता, आइसोमेरिज्म रिलेशनशिप होना चाहिए उसके लिए, तो ये कैंसिल हो गया। मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर, यहाँ पर हमें केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल रहे, नहीं तो अपन रिलेशनशिप भी नहीं देख सकते वहाँ पर। सिंगल डाइस्टीरियोमर, कि डाइस्टीरियोमर किसका सिंगल डाइस्टीरियोमर होगा, ऐसा भी अपन कुछ स्पेसिफिक कह नहीं सकते। बट यहाँ पर प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, ये अपन कह सकते हैं कि लेट से ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, लेट्स ऑप्टिकल रोटेशन प्लेन पोलराइज लाइट में, तो ये इसके जस्ट अपोजिट रोटेट करेगा। इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफर होने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्टिकल रोटेशन इनका एक दूसरे का अलग अलग होगा, जब भी तो इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होता है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, विच इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन ए सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस पे और हैलाइड लीव कर रहा है, तो हमारे पास हैलाइड अच्छा लिविंग ग्रुप कब होगा, जब ये लीव करके स्टेबल बन जाए। तो स्टेबिलिटी अपन देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब ग्रुप एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम जाने पे जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन भी इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर आयोडाइड होगा, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा साइज है, तो नेगेटिव चार्ज मोर डिस्पर्स्ड रहेगा इस पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 38, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, एल्कोहल, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अपने को पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यदि एफ माइनस कॉपन लेते हैं जो कि स्मॉल साइज का है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका जैसे H2O सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, इसका हाइड्रेशन हो जाता है, और ये स्मॉल साइज का है तो इसमें हाइड्रेशन भी मोर होता है, एफ माइनस स्मॉल साइज है इसलिए हाइड्रेशन मोर होता है, हाइड्रेशन मोर, जिसकी वजह से इसकी मूवेबिलिटी जो होगी वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, H2O मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग में आ जाएंगे, तो इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। बट यदि अपन बिग साइज एटम्स ले लाइक आई माइनस, आई माइनस की साइज खुद की बड़ी होने की वजह से H2O मॉलिक्यूल्स इसके मल्टीपल लेयर्स में नीचे चढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से मल्टीपल लेयर्स में हाइड्रेशन होता है, तो हाइड्रेटेड रेडियस काफ़ी बड़ी हो जाती है और हमारे पास एफ माइनस की मूवमेंट को इनहिबिट करती है। बट यहाँ पर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल्स के हाइड्रेशन से आई माइनस बिग साइज एटम जो है उनकी मूवेबिलिटी इतनी अफेक्टेड नहीं होती है, दैट मीन्स यहाँ पे लेस हाइड्रेशन होगा कंपेयर टू एफ माइनस, तो यहाँ पर मूवेबिलिटी जो होगी वो हाइयर होगी, मूवेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियो आई माइनस इज मोर, इसलिए हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी हाई, ठीक है, क्लियर है। तो इस बेसिस पे अपन बोलेंगे कि यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कोहल लो या वाटर लो उसकी वजह से हमारे पास जो स्मॉल साइज एनायन है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफ़ी कम होगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर एफ माइनस, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन जो होगा वो एफ माइनस का होगा, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे पास इस तरह का ऑर्डर मिलेगा। बट तो इस बेसिस पे हमारे पास ऑर्डर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यदि अपन पोलर प्रोटिक की जगह पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ पर पूछा गया, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे कि अपन ने एसीटोन ले लिया, अब एसीटोन में हमारे पास इसको किसी भी आयन को हाइड्रेशन या स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी नहीं होती, जबकि ये क्या करता है, रिपेल करता है अपने लोन पेयर्स की वजह से, ठीक है, तो लोन पेयर यहाँ पर भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और
फ्लोरीन भी स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रोडेंसिटी ज़्यादा है, तो रिपल्शन यहाँ पे मोर होता है, रिपल्शन मोर, जिसकी वजह से हमारे पास एफ माइनस का एल्काइल हैलाइड पे अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। तो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का होगा, यहाँ पर कोई हाइड्रेशन कंसेप्ट नहीं यूज़ हो रहा है, फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का। ठीक है, आयोडाइड में यहाँ पे सबसे लेस रिपल्शन क्यों होगा, क्योंकि आयोडीन की ऑलरेडी साइज खूब ज़्यादा है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइज पे ही डिस्पर्स्ड है, यानी स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिवली पर यूनिट एरिया थोड़ी कम होगी, जिससे रिपल्शन भी लेस लगेगा। तो हमारे पास ये ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला ऑप्शन बी का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास सिंपल टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो हमारे पास जो बिग साइज एटम होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, यानी आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यानी सॉल्वेंट का नेचर चेंज करने से ही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करते हैं। 40 में हमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू आइसोमर्स विल अंडरगो SN1 सब्स्टिट्यूशन विद I-128 फास्टर एंड वाई। तो हमारे पास SN1 सब्स्टिट्यूशन से सिंपल मतलब है कि कार्बोकेटाइन बने उसके बाद में आई माइनस आके अटैच कर जाए। तो पहले देखते हैं कि ये दोनों जो कंपाउंड दिए गए इनमें से स्टेबल कौन सा है। तो ये दोनों पोजीशन देखें, ये भी इक्विटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्विटोरियल पोजीशन है, यहाँ पर ये इक्विटोरियल पे और ये एक्सियल पे। तो हमारे पास मोर स्टेबल तो ये वाला है कि दोनों के दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो हमारे पास दोनों में से यदि रिएक्टेंट्स में से पूछे तो लेस स्टेबल जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, तो ये लेस स्टेबल है, दैट्स वाई मोर रिएक्टिव है। अब इस पे अपन क्या करेंगे कि हमारे पास यदि अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का जैसे ही आप इस पे अटैक कराओगे तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद कैसा बनेगा कंपाउंड, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आयोडीन निकल जाएगा, बैक कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आई मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन ही बनता है, I-128। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, ये इक्वेटोरियल पे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। बट दूसरा प्रोडक्ट भी बनाएंगे, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में आप दोनों ही पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, रिटेंशन भी देख सकते हैं और इन्वर्जन भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आयोडीन 128 भी बन जाएगा, पर जो परसेंटेज अबंडेंस होती है प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व करते हैं वो अपने पास इन्वर्जन प्रोडक्ट की ही ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास इसमें देखें तो ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। बट यदि यहाँ पर अपन करते फर्स्ट 40th क्वेश्चन में, उसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास इक्विटोरियल इनिशियली मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिविटी इसकी काफ़ी कम है, ये लेस रिएक्टिव है। तो इस पर जैसे ही आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो हमारे पास बैक साइड से अटैक करने की वजह से क्या होगा, इन्वर्जन, दो यहाँ पर भी प्रोडक्ट तो दोनों ही मिलेंगे, बट चेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे पास यदि रिएक्शन कराएंगे SN1 के थ्रू तो सेम प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन होगा। बट अपने को रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे देखनी है, इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कैसी है, तो रिएक्टेंट लेस स्टेबल हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर रीजंस देखते हैं कि बी जो होगा वो रिएक्ट फास्टर करेगा, सही बात है, बिकॉज इट इज़ लेस स्टेबल देन ए, समझाई दिया कि हमारे पास क्या होगा कि यदि ग्रुप्स इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे जुड़े हुए हैं तो लेस रिपल्शन होने की वजह से मोर स्टेबल होते हैं इन चेयर कन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर एक ग्रुप एक्सियल पे जो रिपल्शन शो करेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। द ट्रांजिशन स्टेट फॉर बोथ रिएक्शन इज ऑफ द सेम एनर्जी एंड इट विल लीड मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो हमारे पास दोनों में ही आप देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, कार्बोकेटाइन टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा यदि SN1 बनाएंगे, तो दोनों की लगभग सेम ही बनेगा और प्रोडक्ट्स भी सेम ही बन रहे हैं, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला ही बन जाएगा। बट रिएक्टिविटी बी की क्यों ज़्यादा है, क्योंकि बी लेस स्टेबल है, जो कि ऑप्शन डी में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन, so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.